हेलो वैन दिस इज़ सुमित कुमार आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ये जो गेट का लीनियर एल्जिब्रा का क्वेश्चन है इसके संबंध में और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत बार अभी जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद से स्टूडेंट ने भेजा था और चूंकि अब नेट का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए भी लोग अब जोर जो शोर से लगे हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अब आने थोड़े शुरुआत हो गए हैं तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें इस क्वेश्चन से सीखना है ओके ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो और जो आने वाला एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए ओके okay? साथ ही साथ अगर गेट के लिए भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं आगे छः सात महीने के बाद तो भी पता चले कि, कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं ठीक है तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन पे तो ये क्वेश्चन में क्या है दो ऑपरेटर्स आपको दे दिए गए हैं R4 से R4 के बीच में जहाँ पे कि जो पहला ऑपरेटर T है ये जीरो नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है सो टी इज नॉन जीरो एंड नॉन आइडेंटिटी ऑपरेटर विद द कंडीशन कि टी को अगर आप दो बार कंपोज करते हैं टी कंपोज टी विच इज टी स्क्वायर इक्वल टू टी वो टी के बराबर हो जाता है ठीक है वैसे ऑपरेटर को हम लोग आइड इम्पोर्टेंट ऑपरेटर बोलते हैं सो टी आइड इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है लेकिन ये जीरो और आइडेंटिटी नहीं है उसके बेसिस पे आपको चार ऑप्शन दी गई हैं पहला ऑप्शन ये है कि टी मैगनजल है दूसरा ऑप्शन ये है कि टी इन्वर्टेबल है तीसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑपरेटर एस आपको दिया गया था सपोज वो भी एस s, s के बराबर है और रैंक ऑफ टी और रैंक ऑफ एस बराबर है तो क्या ये जो दो ऑपरेटर्स हैं आपके पास s और टी क्या वो दोनों सिमिलर हैं? है कि so, okay? है, तो और s दोनों सिमिलर होंगे अगर s के s एस के केवल दो ही आइगन वैल्यूज हो जीरो और वन. तो कौन सा इसमें से सही होगा ये पूछा जा रहा है आपको तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्वेश्चनिटी इन्वर्टेबल और सिमिलेरिटी के बारे में पूछा गया विद विदेशन टी स्क्वायर इक्वल टू टी को देखें तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और हमें सोचना कैसे राइट ओके सो आई ऑलवेज स्टार्ट सोल्यूशन हाउ टू थिंक कैसे हम लोग सोचे क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो ठीक है कैसे सोचा जाए चलिए तो पहला दो तीन बेसिक चीजें हम लोग क्विकली रिकॉल करते हैं ठीक है क्या रिकॉल करना होगा हमें कि भाई साहब डाइजेबल ऑपरेटर क्या होता है इन्वर्टेबल ऑपरेटर क्या होता है टी स्क्वायर टी का मतलब क्या होता है और इसको समझें इन टर्म्स ऑफ डाइजिबिलिटी एंड इन्वर्टेबिलिटी ओके सो जस्ट रिकॉल दिस सम बेसिक फैक्ट्स क्या क्या है पहली बात कोई भी ऑपरेटर आप दोगे राइट right? आप जो ऑपरेटर दिए हो यहां आर एन से आ रहे सो दिस ऑपरेटर दिस इज ऑफ कोर्स यहां पर डायग्नोजिलिटी का मतलब ओवर फील्ड आ रही है इफ यू आर एबल टू चूज अ बेसिस देर एग्जिस्ट बी बेसिस ऑफ आर एन सच तो, the matrix of T with respect to this operator is diagonal. ye diagonal ho जाए, ja, okay theek hai So इससे this operator is diagonalizable over the field R. agar ek basis aap khoj paaye Rn se जहाँ पर ye और ये Rn कोई important नहीं है, ओके? Rn is not an important. यहाँ कोई vector space V आप डाल दो any vector space V, ठीक है? को वेक्टर स्पेस भी है वीज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर फाइनाइट डायमेंशनल ऑफ डायमेंशन एन एंड दिस इज डायग्निजल ओवर आर पहली बात उसके सारे आइगन वैल्यू है ना उस केस में आपको ये लिखना पड़ेगा ठीक है ये मैट्रिक्स ऐसा मिले सारे आइगन वैल्यू उस फील्ड में मिले ताकि बेसिस मिले टी वी इक्वल टू सो यू आर एबल टू राइट दिस देन यू से वेल दिस ऑपरेटर इज डायग्निजल ओवर योर फील्ड ठीक है ओके वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर ठीक है जैसे यहां आर एन था इन तो जनरल या किसी फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं मोर जनरल ठीक है जहाँ पे भी ये वेक्टर स्पेस है एफ स्पेस है ये ठीक है एफ स्पेस है फाइन डायमेंशनल है तो ये बेसिक चीज़ बेसिक डेफिनेशन हो गया ये कि अच्छा पता तो कि कुछ क्या है नहीं है अब इसके बहुत सारे सफ़िशिएंट कंडीशन हैं राइट कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा होगा तो ऐसा होगा लाइक दैट दैट तो वो मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा सा समझो है ना के टर्म में होता है कि कोई ऑपरेटर है किसी स्पेस में स्प्लिट okay? हो जाता है तो जो आपका ऑपरेटर है वो डायग्नोजिबल हो जाता है ठीक है तो मिनिमल पॉलमिल क्या होता है दिस डिग्री पॉलमल विच एनिट एंड इट शुड बी मोर्निक तो ये सारी चीजें टर्म्स हैं जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ उस तो पर अगर थोड़ा सा कमांड रहे डेफिनेशन पे अच्छे से कमांड रहे थ्योरेटिकली चीजों पे थोड़ा पकड़ रहे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा ओके okay? ठीक है तो ये हो गया आपका डेफिनेशंस कीवर्ड डू मीन बाय सम ऑपरेटर इज डायग्नोसिबल जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में अब इनवर्टीबल्स वेल सो टी इसी ऑपरेटर्स अब बोलेंगे कि ये इनवर्टीबल है अगर तो आप मैट्रिक्स लिख पाते हैं तो मैट्रिक्स के टर्म में बता सकते कि हो

बात बन गया आपका ठीक है तो यहाँ पे चूंकि आर फोर है तो आर फोर पर आप काम करेंगे मजे से आपका हो जाएगा सारा कुछ ओके सो दैट्स अ थिंग्स टू से सम ऑपरेटर इज इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल का ये डेफिनेशन कि ठीक है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टेबल है तो वन वन हो ऑन टू ये डेफिनेशन है लेकिन अगर फनाइट डायमेंशन के, के केस में बातचीत कर रहे हैं दोनों का डायमेंशन फनाइट और इक्वल है तो फिर वन वन या ऑन टू दोनों में कोई एक आप प्रूफ कर देंगे दिस आर इक्वल दिस कम्स फ्रॉम रैंक रैलिटी थ्योरम राइट ओके सो so, ये भी हो गया इन्वर्टिबल और इन्वर्टिबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए अगर आइगन वैल्यूज के टर्म में जाएंगे तो सारे आइगन वैल्यू नॉन जीरो होने चाहिए ठीक है जैसे मैट्रिक्स के केस में होता था राइट ओके नाउ वी आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन जो यहां पे बेस्ड पूछा गया है ठीक है सिमिलरिटी का मतलब हो गया कि दो ऑपरेटर सिमिलर होने का मतलब हो गया कि ठीक है दो ऑपरेटर सिमिलर हैं अगर आप कोई यहां पे बेसिस चूज़ किए उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन कोई यहां दूसरा बेसिस चूज़ किए उसके रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंटेशन टी आर एस का वो दोनों मैट्रिक सिमिलर होंगे और दो मैट्रिक्स कब सिमिलर होते हैं ये भी आपको पता है एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिले ताकि चीजें कुछ आसान सी हो जाए राइट है ना दो मैट्रिसेस अगर आप लेते हो किसी फील्ड से अगर ये दो मैट्रिसेस है ए एन बी आर सिमिलर ए एन बी आर सिमिलर ओवर द फील्ड एफ अगर आपके पास एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मिले

तो बी इनबल हो रहा है के वैल्यूज और इलेवन है तो बी के भी वैल्यू भीवन है इस टाइप की चीजें ए के एक जो मिनिमल पॉलम है बी के भी है तो ये सब चीजें हम लोग आराम से चाहें तो धीरे धीरे प्रूफ कर सकते हैं तो ये हो गया बेसिक चीजें जो हमें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए थोड़ा बहुत नहीं बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए मैथ में थोड़ा बहुत नहीं चलता है राइट आप थोड़े बहुत से कुछ ऑप्शन कर सकते हो बट इससे एक नॉलेज एक हैप्पीनेस नहीं आएगी राइट right? हैप्पीनेस आने के लिए थोड़ा डीप डाउन जाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा चीजें और उसको सीखने में थोड़ा समय लगता है अच्छी चीजों में थोड़ा समय लगता है ओके एनी सो लेट्स कम टू दिस सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है कि टी स्क्वायर इक्वल टू टी है और टी बोल बोल रखा है आपको कि टी नॉन जीरो है नॉन आइडेंटिटी है ठीक है P जीरो भी नहीं है आइडेंटिटी भी नहीं है तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये जो मिनिमल पॉलमिल है इसका ये ये होगा क्यों तो? क्योंकि एनिलेटिंग पॉलमिल जो है इसका ये ये है दिस पॉलमिल एनिलेट्स टी स्क्वायर टी को एनिलेट कर रहा है दिस पॉलमिल एनिलेट T तो so इसके जो फैक्टर्स हैं इसके जो फैक्टर्स आप देखोगे सो फैक्टर्स आर दिस और पॉल पॉलमिल जो होता है वो को कर. तो ऑपरेटर तो जीरो हो जाएगा। ये हो तो हो जाएगा। बट ये दोनों ही नहीं दिया आपको। तो ये हो गया so, आराम से तो चीजों को ध्यान से धीरे धीरे देखोगे क्लियर हो जाएगा सो पॉल मिल ऑफ टी इज दिस वंस दिस इज योर मिनिमल पॉल मिल एवरीथिंग इज फाइन ठीक है दिस स्प्लिट्स डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स

तो ये इन्वर्टेबल नहीं होगा तो उस अनुसार से अगर आप जाएंगे तो ट्री यस यी इन्वर्टेबल नो बिल्कुल नहीं नहीं है एक जीरो इसका आइगन वैल्यू है बिकॉज मिनिममल पॉलमिल्स हमें पता चल गया क्योंकि तो जो मिनिमल पॉलमिल तो के रूट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होते हैं नहीं हाँ मल्टीप्लिसिटी हम लोग नहीं बता सकते एल्जेबेरिक मल्टीसिटी नहीं बता सकते हाँ एक एस्टिमेट दे सकते हैं कि अच्छा इतना कम से कम होगा ऐसा होगा लेकिन जीरो तो आइगन वैल्यू है दैट इज इंपॉर्टेंट सो so, यहाँ तक ये यह सारी चीज़ें आ गए। अब थोड़ा सा आते हैं थर्ड पे एक नॉन ट्रिवल ऑप्शन जो यहाँ पर है वो थर्ड है उसी को सोचना है कि कैसे सही दिशा में हम लोग इसको अप्रोच करें तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाए तो थर्ड ऑप्शन में एक इन्फॉर्मेशन हमें ये दे, दे रखा है जो एस ऑपरेटर है ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और रैंक ऑफ टी रैंक ऑफ एस के बराबर है

ये हमें पता चल गया कि टी जो है हमारा वो डायग्निजल हो गया तो टी सिमिलर हो गया ये फोर क्रॉस फोर है ओके okay? तो कुछ वंस होंगे कुछ ज़ीरोज होंगे है ना कुछ अपने वंस होंगे कुछ अपने जीरोज होंगे तो ये डायग्नजेबल हो गया तो मैं यहाँ पे ये ना लिख के ये लिख देता हूँ ये है इसका ठीक है कितना वन होगा कितना जीरो होगा नहीं पता मेरे को जरूरत भी नहीं है बट ये है

ये मैट्रिक्स डाइगनेजबल है इसका रैंक कितना आएगा व्हाट इज द रैंक तो सिंपल सिमिलर मैट्रिक का रैंक सेम होता है हमें क्या पता है कि दो सिमिलर मैट्रिक हैं तो दोनों के रैंक सेम होते हैं और एक डैंगल मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है डेंगलो मैट्रिक्स का रैंक जो डेंगल पे जो नॉन जीरो जितने एंट्रीज होंगी उतना रैंक डेंगल पे नॉन जीरो एंट्रीज कितना आएगा भैया इसका आइगन वैल्यू तो जीरो और वन का कॉम्बिनेशन है और जीरो भी परसेंट है तो जितने वन होंगे उतना है इसका दिस सो दिस इज नथिंग बट द एलजेबरिक मेलसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन

ऋण हो गया यही हमें पूछा गया था सो so, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से नंबर ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू एस आइड इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ वंस कितना जितना रैंक जितना रैंक ऑफ का उतना वंस बाकी सब जीरो हो गए तो बस दे आर सिमिलर दे आर द सेम दे आर डायग्नोजेबल एंड नंबर ऑफ वंस नंबर ऑफ जीरोज आर सेम सो दिस ये ना सर सिमिलर इफ एफ हैज एस हैज ओनली जीरो एंड वन एज आइगन वैल्यू एस के केवल आइगन वैल्यू जीरो और वन है तो क्या ये ये सर सिमिलर है यहाँ क्या मिस हो रहा है आइगन वैल्यू तो चलो सेम आपने दे दिया अब यहां से ये एस है कि नहीं ये नहीं पता हमें ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं जिसका आइगन वैलू जीरो वन हो लेकिन ना हो और अगर डायगन वन है अगर ये ऑपरेटर डाइग्नजेबल हुआ भी इतना वन रहा है ये तो नहीं बताया ना आपने एस मैं ऐसा भी ले सकता हूँ ऐसे से मैंने ऐसा ले लिया ठीक है ये जीरो और टी हमने ऐसा ले लिया

तो ऐसे हम लोग को देखना है रैंक अगर सेम हो जाए तो आप बात करेंगे कि नहीं रैंक अगर सेम ठीक है चलो रैंक भी आपको सेम चाहिए तो ले लीजिए रैंक सेम बट इसको डायग्नोज हम नहीं होने देंगे ठीक है ये वन जीरो जीरो फिर जीरो जीरो इसको आराम से लिख लीजिए फोर क्रॉस फोर के टर्म में ये लिखिए ठीक है ओके एवरी ये ये मैट्रिक्स बनाइए ये ले लीजिए ये मैट्रिक्स बनेगा रैंक का यहाँ पे मिसिंग हो गया आपका ठीक है रैंक आपको और चाहिए ठीक है और भी आप रैंक यहाँ बना दीजिए ये ले लीजिए देख लीजिए इसके आइगन वैल्यूज वन जीरो के कॉम्बिनेशन है राइट इसके आइगन वैल्यूज रैंक इसका टू है इसका रैंक वन है ये मिसिंग हो रहा है यहाँ पर ठीक है ये भी मिसिंग है यहाँ पर एस स्क्ल्ट आपने कुछ नहीं दिया है न एस स्क्वायर कल टू ऐसे बताया ना रैंक ऑफ टीवल टू रैंक ऑफ ऐसे बताया कुछ नहीं और ये दोनों ही जरूरी है दोनों ही जरूरी हैं, मिसिंग है यहाँ आप। पर बस आपने जीरो और वन आइगन वैल्यू बताया रैंक तो हम अपने मन से बना सकते हैं इसका ये होगा सो दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल ठीक है इसी क्वेश्चन में तो ये हो गया इस एग्जाम का क्वेश्चन अब इसमें थोड़ा एक और क्वेश्चन मैं दूं आपको इसको बनाना तो क्या इस टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं तो अगर जो और एस है तो एस आपने जो ठीक है ये लीनियर ऑपरेटर ऑन फोर ही में लो कि ये जीरो नहीं है ये आइडेंटिटी भी नहीं है ओके okay? बहुत बढ़िया एंड इक्वल टू है तो अगर मैं ये बोलूं देन टी सिमिलर टू एस

फोर से ज़्यादा भी जा सकता है ये सोचना है ओके okay? धीरे धीरे सोचना है ठीक है ये क्वेश्चन अगर नहीं बना इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हैं और क्वेश्चन बन भी गया तो ऐसे नहीं कहा बहुत बड़े तोप है राइट right? आप एक इंसान है जिससे आपसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं राइट right? तो इससे ना ही आप बहुत खराब हो रहे हैं ना बहुत अच्छे हो रहे हैं बस ये देखना है कि हम क्या इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने थॉट प्रोसेस में हमारी सोच में क्या चेंजेस हुए हमारे थिंकिंग प्रोसेस में क्या चेंज हुआ जो मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं रहा है और मेरे को बढ़ा रहा है आगे मैं और अच्छे तरीके से सोच पा रहा हूँ या सोच पा रही हूँ वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट इन द लॉन्ग रन ठीक है और उस सोच में अगर आपको लगता है कि सपोर्ट की जरूरत है गाइडेंस की जरूरत है ताकि आने वाला एग्जाम चाहे गेट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हो या नेट दिसंबर हो या टी एफ आर हो आई सी आई हो सी एम आई हो वहाँ आपका सिलेक्शन अच्छे से हो खुशी से हो सिलेक्शन हो या ना हो बात की बात है एक मैथ में ऐसा कुछ सीखें कि हाँ ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब मैं अच्छा बहुत अच्छा कर सकता हूँ अपने लाइफ में तो वो चीज़ चाहिए एक बेसिक तरीके से तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं यहाँ पर उस टाइप के रेगुलर गाइडेंस के लिए आप आ सकते हैं लेकिन बस क्वेश्चंस को एक बनना न बनने तक ना छोड़ें उसे कुछ सीखें कि क्या इन्फॉर्मेशन है और मैंने क्या सीखा ठीक है तो इसको बना के भेजेंगे और जो जरूरत होगा हम लोग फिर और आगे वीडियोज़ में बातचीत करेंगे ठीक है और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में टिल देन एन्जॉय द सब्जेक्ट टेक केयर